शर्मसार होने की ज़रूरत है स्टाफ को भी और बाकी लोगों को भी। नर्सिंग का कोर्स करने वाली बच्ची के साथ यहाँ पर टीचर मिसबिहेव करता है, बदतमीज़ी करता है, पर उस पर प्रशासन जो था वो कार्रवाई नहीं कर रहा था। बावजूद उसके एक फीमेल टीचर ने जो है उस बच्ची का साथ दिया और उसकी आवाज़ को उठाया, और आवाज़ उठाने का मकसद जो था वो आज शायद पूरा हो चुका है। उस बच्ची को इंसाफ दिया गया है और उस टीचर को जो है यादव करके कोई टीचर हैं उन्हें स्कूल से कॉलेज से निकाल दिया गया है, और सोमया यादव जो हैं जो टीचर थे जिन्होंने बच्ची के साथ मिसबिहेव किया था उन्हें आज कॉलेज प्रशासन ने बाहर निकाल दिया। और अब आगे की कार्रवाई क्या रहेगी और जिस टीचर ने फीमेल टीचर ने आवाज़ उठाई थी उस लड़की के लिए उनको अब कैसा लग रहा है और उस दौरान क्या हुआ जब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए, तो वो भी हमारे साथ हैं। और कुछ लोग जो हमारे साथ हैं, संस्थाएं हैं जो सपोर्ट के लिए सामने हैं, जिनको आना भी चाहिए क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो होती रहती हैं पर संस्था कोई सामने नहीं आती काम करने के लिए। सो बात करेंगे पहले टीचर से। मैम, क्या हुआ था उस दिन जब आपने ये देखा इस बच्ची के साथ हुआ था? सर, हम बाहर बैठे थे रिसेप्शन पे, तो ये बच्ची अंदर ECG रूम में थी और ये सर वहाँ पे गए और ये बाहर दौड़ती हुई आई रोती हुई कि सर ने मुझे मारने की, मतलब मारने की कोशिश की है, अटैक किया, मिसबिहेव किया, पुश किया इसको, और ये बाहर जब चिल्लाती चिल्लाती रोती हुई आई और उस सर ने मुझे बोला कि मैम आपको लगता है मैं ये हरकत कर सकता हूँ? तो जब मैंने उसके अगेंस्ट वॉइस उठाई तो उसने बोला कि मेरे को थ्रेट दी कि मैं प्रिंसिपल और MD को बोलूँगा और आपको जॉब से निकालूंगा कि आप अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं कर रही हो। तो आगे रिजल्ट आपको निकाल भी दिया गया था कॉलेज से, है ना? क्या कहा गया था? मुझे ये बोला था कि आप कंटिन्यू नहीं करोगे जब तक प्रिंसिपल नहीं आते हैं, 15 जुलाई के बाद आपको कुछ हम बताएंगे, जो भी डिसीजन होगा हमारा तब लेंगे, तब तक हम आपको कुछ नहीं बता सकते। आज आप यहाँ पर आए, कुछ लोग यहाँ पर शहर के नागरिक जो हैं अच्छे लोग जो आपकी आवाज़ उठाने के लिए आपके साथ में खड़े हैं, तो आज क्या फैसला लिया गया प्रशासन की ओर से कॉलेज की? आज ये फैसला लिया गया है उसके खिलाफ सस्पेंशन लेटर उसको दिया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी भी था गलत इंसान के लिए। अब आपको क्या लगता है कि जो आवाज़ आपने उठाई थी क्या वाकई में सबको ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए, लड़कियों को, सबको मैं बोलती हूँ। आज आप सफल भी हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल सक्सेसफुल हुए हैं, हम बहुत खुश हैं आज। आपका आपके साथ हुआ क्या था उस दिन, क्या कहा था टीचर ने? वो टीचर क्या पहले भी बदतमीजी कर चुका है, पैसा जो फर्स्ट टाइम बदतमीजी हुई थी? नहीं, ये पहले भी हुआ है, लेकिन कुछ लड़कियों की उनको पसंद होता है ये सब कुछ, वो नहीं बोलती हैं, लेकिन मेरे को ये पसंद नहीं है। उस दिन मैं अकेली थी रूम में, तो सर आए, वो बाहर भी मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन उन्होंने बाहर नहीं बुलाया, वो अंदर आए, मेरे पे चिल्लाए, उन्होंने मेरे को पुश किया, तो उसके बाद मैं रोती हुई बाहर गई, तो मैम भी वहाँ थे, मैं शिवरिंग कर रही थी, तो मैम ने बिठाया मेरे को, तो वो सर ऊपर गए मेरी फ्रेंड को बोलते कि जाओ, तो उसके बाद फिर वो मैम के पास गए कि मैम आप मेरे को सपोर्ट करोगे? मैम ने जब बोला मैं नहीं करूँगी सपोर्ट, तो फिर उसके बाद वो सर के पास आए, बोलते कि ऐसे ऐसे, वो मेरे को बोलते कि वो लड़की ऐसी है ऐसी है, सर को जाके बोलते, मतलब आपके करेक्टर पे उंगली उठाना। हाँ जी, हाँ जी, जो टीचर थे, हाँ जी, सोमया यादव, हाँ जी। तो उसके बाद में फिर जब आपने अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखी, मैडम आपके साथ आए, तो आपका पहले हौसला टूट गया था जहाँ आपको लगता था कि मैं लड़ाई जीत पाऊंगी? पहले तो नहीं लगता था कि मैं जीत पाऊंगी, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को भी लेकर आई, लेकिन वो उसी दिन सुबह वो मेरे को बोलते कि मैं बाहर से आई, बोलते क्या हुआ, मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, बोलते कुछ तो होना है, मैंने बोला सर क्या होना है, बोलते कुछ तो होना है, मैंने बोला क्या मतलब सर कुछ तो होना है, तो बाद में मैंने उनसे पूछा, जब मेरे पेरेंट्स आए थे मैंने उनसे पूछा कि सर इस बात का क्या मतलब था, आपने बोला था कि कुछ तो होना है, इस बात का क्या मतलब है? बोलते उसको उस टाइम ना वो हो रही थी, घबराहट हो रही थी, इसलिए मैंने बोल दिया कि कुछ तो होना है। वो कोई डॉक्टर थे जो ये बात बोल रहे थे कि इसको घबराहट हो रही, मतलब उसने गलत किया था इसीलिए, हाँ इसीलिए, इसीलिए। और वो वहाँ के स्टाफ के पास जाकर बोलते कि वो लड़की को बोलो कि कोई एक्शन मत ले, चुप रहे, आवाज ना मत उठाए। हाँ। पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका, पर हो चुका प्रशासन आवाज जो था वो दबा रहा था बच्चों की। हाँ जी, लड़कियां नहीं बोलती हैं, पहले भी उन्होंने मेरी फ्रेंड के साथ भी उसने एक मिसबिहेव किया था, लेकिन वो भी नहीं बोली।